तक पहुँचाना फोन तक। हाँ, वो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तो सबसे ऊंची आत्मा है, उन्होंने मुसलमानों या इस्लामियों ने संगम युग में जब भगवान बाप आया और विनाश महाविनाश हुआ तो उन्होंने ये भी अनुभव किया कि अल्लाह अव्वल दीन कोई है जो अव्वल नंबर धर्म की दीन की स्थापना करता है, वो तो अल्लाह है, लेकिन उसके साथ साथ कोई अकबर भी है। उस अव्वल नंबर दीन अव्वल नंबर धर्म में तो हम जाने वाले नहीं हैं, लेकिन उसका कोई साथी है। जिसका नाम उन्होंने रखा है अकबर, बर माने श्रेष्ठ, अक माने अक का फूल। जो अक का फूल होता है छोटा सा होता है, लेकिन उसमें ऐसी शिस्त है कि पेट की बहुत सफाई करता है, दवाइयों में बहुत काम आता है। ये जो आतंकवादी निकले हैं दुनिया में, ये कौन से धर्म के हैं? है वही इस्लाम धर्म के। वो ऐसे फॉलो करने वाले हैं जिनके भय से आज दुनिया के बड़े बड़े शासक थर्राए रहे हैं। पता नहीं हमारी आखिरी श्वास कब आ जाए। तो उनका बुद्ध रूपी पेट साफ हो रहा है या नहीं साफ हो रहा है? है? जो भय से भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं, उनके बुद्ध रूपी पेट की सफाई हो रही है कि हम जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत कामों का अंजाम कभी भी हमारा सर कलम किया जा सकता है आतंकवादियों के द्वारा। तो वो आतंकवादी या उनका सरगना, जो मुखिया है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, जो बुद्धि के थर हैं। कैसी बुद्धि है? ज्ञान की बातों में उनकी बुद्धि चलती ही नहीं है, लेकिन जो पेट है उस पेट की सफाई करने में तामसी स्टेज में बहुत सहायक बनते हैं। उनका मुखिया कौन हुआ? है? उनका मुखिया हुआ जिसे कहा जाता है अल्लाह के साथ अकबर। हिंदुओं में अल्लाह किसको माना है? है? अरे हिंदुओं में अल्लाह किसको मानते हैं? अच्छा ब्राह्मणों में अल्लाह किसको माना है?
अल्लाह माने, अल्लाह माने ऊंच से ऊंच कौन सी आत्मा है? शिव है। और उसका साथी कौन है? शंकर। शंकर अभी अधूरी स्टेज में है या संपूर्ण स्टेज में है? है अधूरी स्टेज में है। अधूरी स्टेज में होते हुए भी जो उसमें से गंध निकल रही है उसे खुशबू तो नहीं कहें, क्या कहें? खुशबू नहीं कहें लेकिन बदबू तो कहें। बदबू भी नहीं कह सकते, खुशबू इसलिए नहीं कहेंगे कि परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता है प्रैक्टिकल जीवन में, नहीं। और बदबू इसलिए नहीं कहते कि जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो उस बू को ग्रहण करना चाहते हैं या फेंकना चाहते हैं, ग्रहण कर रहे हैं तो बदबू भी नहीं है। लेकिन बुद्ध रूपी पेट को सफाई बहुत कर रही है। जिनका मनन चिंतन मंथन उस ज्ञान के आधार पर चल रहा है उनके बुद्ध रूपी पेट की सफाई हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो वो है अकबर। अक के जितने भी फूल हैं दुर्गंध फैलाने वाले, वैसे फूल होते हैं सतयुग में। फूल कहा जाता है सुखदाई को। फूल होता है हल्का, खुद भी हल्का होता है दूसरों को भी हल्का बनाता है, खुद भी भारी नहीं होता और दूसरों को भी भारी नहीं बनाएगा। कांटा नहीं कहेंगे, फूल है लेकिन छोटा फूल है। अक के फूलों में वो श्रेष्ठ है। कैसा फूल है? वर। तो नाम क्या पड़ा? अकबर। जो हिंदुओं में याद करते हैं शिवशंकर भोलेनाथ, ऐसे ही मुसलमानों में भी किसको याद करते हैं? अल्लाह अकबर। भाषा का भेद है, अर्थ का कोई भेद नहीं है। हाँ, जो पतितों को पावन बनाने वाला है उसको पतित पावन कहते हैं। पतित माने गिरा हुआ, पतित माने गिरा हुआ। ये कलम कहेंगे अभी ऊंचा उठा हुआ और ये गिरा हुआ, गिर गया, ये पतित हो गया। और ऊंचा है तो पावन है। हमारी बुद्धि भी जब पावन बनती है तो ऊपर की ओर जाती है, पांच तत्वों से परे चली जाती है। पांच तत्वों से बनी हुई देह और देह के संबंधों और देह के पदार्थों से उपराम हो जाती है, उसे कहेंगे पावन बुद्धि। और जब मन बुद्धि गड्ढे में लगी रहती है तो कहेंगे पतित बुद्धि। और शिव बाबा का टाइटल है पतित पावन। माने जो भी पतित बुद्धि वाले हैं, जिनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा गड्ढे में सदैव बनी रहती है, उन गड्ढों में लगे रहने वाले पतित आत्माओं की बुद्धि को उबार करके ऊपर ले जाना परम धाम में। ये काम के आधार पर उसका नाम पतित पावन पड़ा है। पतितों को पावन बनाने वाला। हाँ जी, सब मत बोलो। हाँ,
ये हरिश्चंद्र की कथा कहानियां पौराणिक कहानी है, ये कोई हिस्ट्री की बात नहीं है कि हरिश्चंद्र राजा सतयुग में हुआ। सतयुग की तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये संगम युग में राजा हरिश्चंद्र होता है, जिसे कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और महादानी कहा गया है। इतना दान, अपने तन का दान, तन के संबंधियों का दान और तन के पदार्थों का दान, अपने राजपाट का दान, इतना बड़ा दान दुनिया में कोई भी नहीं कर सका सतयुग में। बाकी द्वापर युग में तो एक दानी और महादानी गाया हुआ है, कौन, कर्ण गाया, वो बात अलग। तो ये संगम युग की बात है। संगम युग में जो नारायण का पार्ट है वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पार्ट है। वो दान करता है, क्या दान करता है, तन मन धन समय संपर्क संबंधी जो भी पावर हैं मानवीय जीवन की, उन सबको 100% ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला राजा हरिश्चंद्र गाया हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे अव्वल नंबर कदम बढ़ाने वाले कम निकलते हैं, जो अपनी पत्नी को भी आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके पत्नी के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए स्वेच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं। ये है देह के प्यारे से प्यारे संबंधी का ईश्वरीय सेवा में दान। कन्याएं सब समर्पण कर देंगे, बहनों को समर्पण कर देंगे, भांजियों को समर्पण कर देंगे, लेकिन पत्नी को अपनी बहन भाई समझ करके, पत्नी को उसके स्वेच्छा के आधार पर चलने देने के लिए कोई भी भाई नहीं छोड़ रहे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का ये गायन है कि प्यारे से प्यारे संबंधी को भी अर्पण करता है ईश्वरीय सेवा में। अपनी बुद्धि के कंट्रोल के आधार पर नहीं, जो ईश्वरीय नियम है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, इस नियम के आधार पर। इसलिए राजा हरिश्चंद्र कोई दूसरा नहीं हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में नारायण का ही दूसरा नाम राजा हरिश्चंद्र पड़ गया। शास्त्रों में लिखा है कि नारायण का राज्य सतयुग में था, नारायण 16 कला संपूर्ण था, हरिश्चंद्र का भी राज्य सतयुग में गाया हुआ है। विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। विश्व का मित्र कौन है? अरे सारे विश्व का मित्र कोई आत्मा है या नहीं है? शिव है। तो शिव ने परीक्षा ली
परीक्षा में हरिश्चंद्र उत्तीर्ण होते हैं। और उनके लिए संगम युग है, है? संगम युग बाहर की दुनिया वालों के लिए है कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए? और ब्राह्मणों में भी जिन ब्राह्मणों को प्रैक्टिकल जीवन में बाप मिला है उनके लिए मौजों का युग हो सकता है, या जिन ब्राह्मणों को बाप मिला ही नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में बाप नाम की चीज है ही नहीं, उनके लिए मौजों का दिन? ठीक है, लेकिन ये कहा है कि प्रभु माला के जो मन के विचारों के विजय प्राप्त करते जाएंगे। नहीं, विकारों पर विजय अकेले नहीं पाई जा सकती, माता गुरु चाहिए। और माता गुरु रुद्रमाला के मणकों के लिए विजय माला से निकलेगी या कहीं दूसरी जगह से निकलेगी? विजय माला से निकलेगी। और है नष्ट हो मोह, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अरे धड़ाक से सर नीचा करके बैठ जाते, कुछ तो बोला करो। बोल बोल बोल। सुनो सुनो, मेरे कान खुले हो। आगे उसको पंप करने वाला कोई नहीं मिलेगा ना। चलो जितना लिखा है उतना तो बोल दो। मैंने अभी मुरली में आया विकर्मा जीत, माने विकर्मों के ऊपर जीत पाने वाला। और एक है विकर्म संवत, विकर्म संवत। तो जो विकर्म संवत है वो शुरू होता है द्वापर युग से, विकर्म करने का संवत। और विकर्मों को जीतने वाला विकर्मा जीत संवत वो होता है संगम युग से शुरू, जब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। संबत एक एक एक, तो ये दोनों ही संबत एक के ऊपर पड़ते हैं या कई आत्माएं हैं, दो आत्माएं हैं, यही प्रश्न है ना? सारा मदार, सारी पढ़ाई किसके लिए है? है? अरे सारी पढ़ाई किसके लिए है? कृष्ण वाली आत्मा के लिए है। कृष्ण बच्चे के लिए सारी पढ़ाई है। षष्ठ रूपी पहले पत्ते के लिए सारी पढ़ाई है। वो पहला पत्ता संगम युग में जब विकर्मों को जीत लेता है,
ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। नो विषैताल, विषय विकार के कोई कर्म करने वाला नहीं रहेगा। फिर जब तक विकर्मों को नहीं जीता है तब तक कुछ न कुछ विकर्म होते रहेंगे, और जिस शरीर में प्रवेश करेगा या जिन ब्राह्मण बच्चों के शरीर में प्रवेश करेगा कुछ न कुछ विकर्म कराता रहेगा। तो वो ही आत्मा द्वापर युग में जब पहुंचती है तो वो ईव कही जाती है। ये सृष्टि रूपी रंगमंच के एडम ईव हैं, हीरो हीरोइन हैं दोनों आत्माएं, राम और कृष्ण। कुरान में ईव के लिए गाया हुआ है, आदम के लिए गाया हुआ है कि एडम और आदम और ईव जब जन्नत में गए तो खुदा ने उनको हिदायत दी कि बाड़ी के बीच का फल नहीं खाना। बाड़ी ये शरीर है, शरीर का जो बीच का अंग है वो द्वापर युग से उस बीच के अंग की जागृति शुरू होती है, भान शुरू होता है। जब आठ कलाओं से नीची कला हो जाती है, इसकी शुरुआत ईव के द्वारा बताई गई है। कि ईव की नियत खराब होती है और वो बाड़ी के बीच का फल खा जाती है, बस वहीं से एडम ईव दोनों नरक में गिर गए, दोजख में गिर गए, द्वैतवाद में गिर गए। इसलिए भक्ति मार्ग में स्त्री को माया कह दिया है, स्त्री माया रूपिणी है। ज्ञान मार्ग में बाबा ने नहीं बोला है कि स्त्री माया का रूप है। माया तो अज्ञान को कहा जाता है, अज्ञान स्त्री में भी होता है पुरुष में भी होता है। भक्ति मार्ग में कार्तिक के महीने में देवताओं को उठाते हैं। आषाढ़ का महीना पहले और कार्तिक का महीना बाद में, देव अनुष्ठानी एकादशी कार्तिक में होती है और दीपावली है, दीपावली जो है दीपों की अवली, जगे हुए दीपकों की कतार जिसे कहते हैं माला, वो भी दीपावली पर बनती है। तो आषाढ़ में क्या बताया, देवताओं को सुला देते हैं। वास्तव में ये सारी कथा कहानियां जो हैं वो संगम युग की यादगार हैं। संगम युग में जो ब्राह्मण देवताएं हैं वो दीपावली आने से पहले पूरे सो जाते हैं,
क्या पूरे अज्ञान अंधकार में चले जाते हैं। उसके बाद जब दीपावली आती है तो दीपक पूरे जग जाते हैं। यहाँ की यादगार शास्त्रों में उसी प्रकार दिखा दिए, पहले पूरे अज्ञानी बने फिर पूरे ज्ञानी बने, अति फिर अति का अंत होता है। तो अज्ञानता की अति हो जाएगी, इतना अज्ञान छा जाएगा कि विनाश की बात ही बुद्धि में से उड़ जाएगी। जैसे कोई शराबी होता है, शराब पीने की लत पड़ जाती है तो उसको लोग बार बार कहते हैं अरे शराब छोड़ दो, क्यों दुखी होते हो, नालियों में जाके गिरते हो, बुरी हालत हो जाती है, तुम्हारे बाल बच्चे दुखी होते हैं, पत्नी दुखी होती है, चारों तरफ से उसके ऊपर बौछारें पड़ती हैं, शराब छोड़ दो। छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है, ये 63 जन्म के आदि हैं, क्या पाप कर्म करने के, तो जिनको अभ्यास पक्का हो जाता है वो अभ्यास धीरे धीरे छूटेगा या एकदम छूट जाएगा? धीरे धीरे छूटता है। कोई ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं, ऐसे विल पावर वाले होते हैं कि धड़ाक से भी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे चुनिंदा एक दो होते हैं कि ज्यादा होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। हाँ हाँ, तो अभी सन्मुख हुए कि नहीं हुए? हो गए हैं? बाहर से सन्मुख हुए कि अंदर से हो गए? ये ही गड़बड़ है, अंदर से भी और बाहर से भी। कोई बात में विमुख न हो, जो बाप की बात सो हमारी बात, जो बाप का आदेश वो हमारा आदेश, जो बाप का संकल्प वो हमारा संकल्प। कोई बात में विरोधाभास पैदा न हो, उसको कहेंगे सन्मुख। अगर थोड़ा भी कोई बात में संशय आया तो विमुख, सन्मुख नहीं कहेंगे 100%। तो 100% जो अंदर बाहर से सन्मुख हो जाए, विमुख न हो, विमुख होने का नाम निशान नहीं, उसके लिए ये बात बोली गई है। जन्म कोटि अघनाश है तब ही। वो भक्ति मार्ग वाले तो जानते ही नहीं है कि 84 जन्म होते, इसलिए उन्होंने लिख दिया जन्म कोटि। जन्म जन्म लिखा होता तो भी ठीक। अघ माने पाप, ये 63 जन्म के जो पाप हैं वो तब नाश होंगे जब हम अंदर से और बाहर से, मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, हर प्रकार के बाप के सन्मुख रहे, विमुख न बने, कोई भी बात में विमुख न बने, संकल्प मात्र भी विमुख न बने, तब कहेंगे मन मना भव।
और मन मना बाबा हो गए तो जरूर 63 जन्म के पाप खत्म होंगे, तब ही पूरे मन मना बाबा, नहीं तो माया पकड़ती रहेगी। और अरे तेरे कान तो ज्यादा सुनते हैं, इधर कोई बोल रहा है तेरे से पहले। अरे रे 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 उधर कोई बोल रहा है। अच्छा आ जाओ उधर उधर उधर। हाँ हाँ बोल। बिल्कुल गुरु जिनके अंदले है और चेला चेला सत्यानाश और माताएं कन्याओं को गुरु बनाने के लिए बोला। क्या बोला? उद्धार तब तक नहीं होगा दुनिया का जब तक माता को गुरु नहीं बनाया है, चाहे वो राम हो और चाहे वो कृष्ण हो या कोई भी हो, क्योंकि पुरुष जितने हैं वो सब सब दुर्योधन दुशासन। एकांत पाके हमला किए बगैर रहते ही नहीं। तो जो दुर्योधन दुशासन खुद हैं वो दूसरों को क्या बनावेंगे है? दुर्योधन दुशासन ही बनावेंगे। कन्याओं माताओं के लिए बोला है, ये कन्याएं माताएं स्वर्ग के गेट खोलेंगी। सब नहीं, उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो सुपनखा पूतना की तरह नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। आओ उनकी बात छोड़ दो, वो गिनी चुनी है भारत में, विदेश में तो बहुत है सारी है, लेकिन भारत में कन्याएं माताएं स्वर्ग का गेट खोलने वाली है, इसलिए उनको माता गुरु बनाए बगैर उद्धार नहीं हो सकता। चाहे भगवान ही सृष्टि पर आकर के राम कृष्ण के पुरुष तन के द्वारा कितना भी ज्ञान की बंसरी बजाए या ज्ञान का नगाड़ा बजाए, प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। और एक प्रश्न आया है, महाभारत में भीम ने द्रोणाचार्य के 7 रथ तोड़ डाले, इसका बेहद में क्या अर्थ है? जो द्रोणाचार्य है वो विद्वान पंडित आचार्य गुरुओं की श्रेणी में है या नहीं है? है? है। और जो 7 नारायण हैं वो भी विद्वान पंडित आचार्यों की श्रेणी में है, गुरुओं की श्रेणी में है या सदगुरु की श्रेणी में है? गुरु है वो 7 ही द्रोणाचार्य हैं जिनका बुद्ध रूपी घड़ा अज्ञान से भरा हुआ है। ऐसे 7 रथों को भीम ने तोड़ दिया, जैसे कि रामायण में दिखाया है, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, वहां उनको 7 ताड़ के रूप में दिखा दिया, बहुत ऊंचे हैं,
संसार की नजरों में। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की जनरेशन के सामने, उनको रथ कहा गया है, उनको ताड़ कहा गया है, उनको सप्तऋषि कहा गया है, कई कई नाम रूपों से उनका बखान किया गया है। गंगा के 7 पुत्र भी बताए गए हैं, भीष्म पितामह से पहले। तो वो 7 शरीर रूपी रथ हैं, द्रोणाचार्य के रथ बनते हैं। जैसे युधिष्ठिर कोई एक का नाम नहीं है, अर्जुन कोई एक का नाम नहीं है, ऐसे ही द्रोणाचार्य कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये टाइटल है। उनके 7 रथों को भीम ने तोड़ दिया। और अरे आत्मिक स्थिति में 8 ही रहते हैं कि उससे ज्यादा होते हैं? आत्मिक स्थिति में रहने वाले धर्मराज की सजाएं खाएंगे? बोलो, नहीं खाएंगे। तो जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, ऐसी आत्मिक स्थिति में रहने वाले कितने हैं? है? 8 हैं। उन 8 बच्चों के लिए बोला है कि बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं, तुम मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूं। प्रैक्टिकल जीवन में सरेंडर होकर रहते हैं। और लेकिन उनको बताया गया कि श्री कृष्ण को बहेली ने थी मारा डांट और उनको जो आदि में हुआ वो अंत में नहीं होता है, है? तो आदि में हुआ कि नहीं? जो 4th नारायण है क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त, वो जो पार्ट बजाएगा तो जो बीज रूप होगा उसमें ये बहेलिए पने का संस्कार नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो पार्ट अंत में बजाएगा। हिंदी में एक्सपर्ट कौन है ये पढ़ के बताओ क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। बाबा इतने एडवांस ज्ञान दिया और वो ही बाबा से दूर हो जाए, उनका सम्मान कैसे करें? वो कन्वर्ट हो जाए, उनका कैसे सम्मान करें जो कन्वर्ट हो जाए? मतलब वो बाबा से दूर हो जाए, हाँ, उनका सम्मान कैसे करें? वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो इतने एडवांस ज्ञान दिया, हाँ, उन्होंने कहा बाबा जिसने एडवांस ज्ञान दिया और वो ही बाबा से दूर हो गए, जिसने दिया, हाँ, उनका सम्मान कैसे करें? क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए, दूसरे में कन्वर्ट हो गए, माने माने माँ बाप हैं, हमको जन्म देते हैं,
और जन्म देने वाले माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते, विरोध करते हैं सारे जीवन, तो उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? अरे उनका सम्मान करना बंद कर देंगे तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में जिसने हमको संदेश दिया, जिसने हमको ज्ञान की गहराइयां बताई और वो बाद में बाबा से विलग हो जाए तो उसका अपमान करना है? ऐसा तो नहीं है। एक के लिए काई के लिए जो आठ हैं वो आठ हो ही ऐसे ही हैं। तुम बच्चे हो, तुम बच्चा हो या तुम बच्चे हो, खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले वो बच्चे बहुत हैं या एक है? है? बहुत बच्चे हैं जो ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फैसला करेंगे कि इनका विनाश होना ही ठीक है, नहीं तो संसार का कल्याण नहीं हो सकता। और दुनिया में जिनका विनाश होना है वो तो परसेंटेज में बहुत ज्यादा हैं। 500-700 करोड़ की दुनिया में से 100 करोड़ भी नहीं, सातवां हिस्सा भी नहीं। 100 करोड़ में से 100वां हिस्सा 1 करोड़ भी नहीं, और 1 करोड़ में से 10वां हिस्सा 10 लाख भी नहीं, और 10 लाख में से भी कितने 4.5 लाख बचेंगे और बाकी सब क्या होगा? बाकी सब सब विनाश को पाएंगे, उनकी खोपड़ियों को ठोकर लगाएंगे या उठा के चूमेंगे, क्या करेंगे? हैं? इसी काबिल है। इतना समझाने के बावजूद, इतनी प्रत्यक्षता दुनिया में होने के बावजूद, इतना प्रयास करने के बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका आखिरी अंजाम क्या होगा? विनाश। दुनिया के जो स्कूल होते हैं उनमें टीचर क्लास में आता है तो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा के क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, ये राइट है ये रंग है? दुनिया का जो क्लास होता है वो देहधारियों का क्लास होता है, तो वो सम्मान करने के लिए देह को खड़ा कर देते हैं, हैं? और यहाँ तो बाप आते ही याद दिलाते हैं, बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों से रूढ़ियान करते हैं, ऐसा वाक्य शुरुआत में ही आता है। तो यहाँ रूह की याद में रह करके खड़े होने की बात है या जिस्म को खड़ा करने की बात है? रूह को खड़ा कर दो, ये आत्मा खड़ी हुई, बस हो गया। और भक्ति मार्ग में कोई से बिल्ली की हत्या हो जाती है तो सोने की बिल्ली बना के देनी पड़ती है, तो ज्ञान मार्ग में इसकी शूटिंग कैसे होती है बताओ भाई? कोई की बुद्धि में आता है या नहीं आता है? हैं? नहीं आता।
अरे अरे ये तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, सारी दुनिया भू को पालने वाले हैं यहाँ, बुद्धि में आना चाहिए। अच्छा अभी माया बिल्ली के बारे में क्या बताया था, कुछ बताया है? है? नहीं, ये बताया कि माया थक चुकी है, माया लड़ते लड़ते थक चुकी है और अब लड़ाई से तंग आ चुकी है, वो अपने जीवन से तंग आ चुकी है। जब ऐसी तंगी देखी तो ब्राह्मण बच्चों के अंदर से आवाज निकलती है, हमेशा कहते भी हैं बाबा से, बाबा इस माया को या तो समेट लो या माया को मार दो, कहते हैं कि नहीं है? कहते हैं बच्चे, कहते हैं बाबा इस माया को या तो समेटो, आपकी बेटी है ना इसको समेटो, या तो इसको मार दो। तो बच्चों की आस बाबा पूरी कर दी, माया बेटी क्या हुआ है, मर गई कि जिंदा है? मर गई। तो बच्चों की तो आस पूरी हो गई, अब बाबा तो हत्यारा बन गया। तो जो हत्यारा बन गया उसको सोने की बिल्ली बना के देनी पड़े या नहीं देनी पड़े है? और वो सोने की बिल्ली जड़ सोने की बिल्ली होगी या सोना माने सच्चाई, सच्चाई की बिल्ली होगी, चैतन्य बिल्ली होगी है? वो चैतन्य बिल्ली होगी या झूठ बिल्ली होगी? जो सच्ची होगी तो सत्य हर जन्म में रहता है या किसी जन्म में लोप हो जाता है? है? हर जन्म में होना चाहिए। तो रुद्रमाला में आधार मूर्त माया बिल्ली का बीज रूप माया बिल्ली कोई है या नहीं है? अरे अरे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आधार मूर्त जड़ के रूप में, तो उस जड़ की कोई बीज रूप चैतन्य बिल्ली होगी या नहीं होगी? कौन है? सब जगदम्बा, जगदम्बा को माया भी बता देगा, जगदम्बा को प्रकृति भी बता देगा, दोनों बात कैसे होगी? माया ने तो प्रकृति से हाथ मिलाया तो दो अलग अलग हो गई आत्माएं। आधार मूर्त जो माया बिल्ली है उसकी बीज मूर्त चैतन्य आत्मा एडवांस पार्टी में कौन है? गंगा, हाँ यमुना, काली नदी यमुना, सूर्य पुत्री यमुना। माया को भी बाबा क्या कहते थे? माया बेटी। तो किसकी बेटी है? ज्ञान सूर्य की बेटी हुई ना, लेकिन वो तो है आधार मूर्त। उस आधार मूर्त को भी कोई बीज रूप आत्मा यज्ञ के आदि में थी, और वो 84 जन्म लेने वाली होगी या कम जन्म लेने वाली होगी? क्यों है? हाँ,
क्योंकि रुद्रमाला के मणकों का किसी जन्म में विनाश नहीं होता, वो सारी दुनिया के बीज हैं। तो जो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त माया है, माया बिल्ली है, उसकी बीज मूर्त भी कोई है, उसको यमुना नदी कहा गया है। वो यमुना नदी जैसे बेसिक के आदि में थी, वैसे एडवांस के भी आदि में पार्ट बजाती है थोड़ा समय के लिए। वो पहले सरेंडर होती है, और कोई कन्या पहले सरेंडर नहीं होती, जगदम्बा भी नहीं। लेकिन बाबा ने बोला है सरेंडर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निभाना बड़ी बात है। तो वे बीज रूप माया बिल्ली के रूप में पार्ट बजाने वाली थोड़े समय के लिए सरेंडर होकर रहती है, और जितना समय रहती है उतने समय भी वफादार होकर नहीं रहती। इसलिए वो बीज रूप माया है, बेसिक के आदि में भी आई और गई, एडवांस के आदि में भी आई और मर गई। तो उसे जिंदा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है करना पड़े, जो आदि में तो अंत में। उसका उद्धार नहीं होगा तो औरों का भी उद्धार नहीं होगा। वो सोने की वो मूर्ति है जो बेसिक नॉलेज वालों ने राजयोग शिविर की फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में जो फिल्म निकालने वाला फिल्मी अदाकार था, उसने उस कन्या का ही फोटो सबसे जास्ती बार दिखाया, क्योंकि ऐसा योग युक्त चेहरा था जो सबको आकर्षित करता था। बाद में जब एडवांस ज्ञान निकला, उस आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, तो बेसिक वालों ने वो फिल्म में से वो हिस्सा काट दिया। अब उनके काटने से थोड़े ही कट जाएगा, वो तो जो शूटिंग हो गई वो अविनाशी हो गई। दिल्ली वालों के लिए खास बोला हुआ है कि दिल्ली वालों ने स्थापना के आदि में जो बीज डाला है वो अंत तक अविनाशी है। बाप बांधा हुआ है दिल्ली वालों को, अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। अगर सहयोग लेने वाला सहयोग लेना चाहे तो ओम शांति।